कहाँ चढ़ जाते हो आप? यहाँ से धूप आ रही है। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ भगवान शिव के अवतार गोलू देवता के धाम। तो आप लोग ऐसी मेरे साथ बने रहिए और ऐसी अपना प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो, हम लोग निकल पड़े हैं एक नई यात्रा पे, तो आप लोग ऐसी बने रहिएगा हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे हम आज कहाँ जा रहे हैं। गोदाम से आगे निकल गए हम लोग और आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ कितना बढ़िया घाम आ रहा है। और हम लोग यहाँ ठंडे से हालत ख़राब हो रही है इतने दिनों से कोहरे से, और मैं हूँ एकदम पहाड़ों के बीच में मज़े कर रही हूँ। जगह में अभी मैं रुकी हुई हूँ और यहाँ से बढ़िया एकदम पहाड़ दिख रहे हैं। और ये ठंड के दिन हैं अभी, लेकिन पहाड़ों में आके तो ये महसूस ही नहीं होता कि ठंड के दिन है, क्योंकि सुबह सुबह बढ़िया घाम तापने को मिल जाता है, धूप आ जाती है खिली खिली सी। ये देखिए, और सामने पहाड़ों का नज़ारा दिख जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त हूँ। और आज आपको मैं यात्रा करने के लिए ले जाने वाली हूँ पहाड़ों में। तो पहाड़ों में मैं पहुँच चुकी हूँ और बहुत सुंदर आज की यात्रा है। और आज मैं आपको यात्रा कराने वाली हूँ, जी हाँ, ऐसे भगवान की जिन्हें भगवान शिव का अवतार बोला जाता है, और उन्हें ये भी बोला जाता है कि वो न्याय के देवता हैं। तो उत्तराखंड में उनकी बहुत ही शिद्दत से, आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पूजा जाता है उन्हें। जी हाँ, तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ। अभी मैं पहुँची हूँ भीमताल लेक में, और इतनी सुंदर लेक है, उसका दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे नाव रखी हुई है, ये देखिए नाव है बढ़िया सी, और ये देखिए सुंदर नज़ारा यहाँ का। और हम लोग निकल पड़े हैं यात्रा में गोलू देवता के धाम। ये हम लोग पहुँच गए हैं भवाली, और यहाँ से एक रोड, ये रोड जाती है अल्मोड़ा के लिए, और ये रोड जाती है घोड़ाखाल मंदिर के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ाखाल मंदिर में। ये देखिए, यहाँ से शुरू होती हैं दुकानें। यहाँ बड़ी छोटी सारे प्रकार के आपको घंटियाँ मिल जाएंगी, प्रसाद मिल जाएगा। ये मंदिर के बाहर ही सारी दुकानें हैं, तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ से प्रसाद लेके ऊपर मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और इस साइड भी अभी दुकानें हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, और व्यू यहाँ से देखिए आप दोस्तों, मस्त एकदम बढ़िया। Thank you.
ये हैं गोल्लू देवता, जिनके आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। और ये हैं दुकानें, यहाँ से सारे लोग अपने प्रसाद खरीद रहे हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा रास्ता ऊपर जाने का। ये देखिए, तो मैं पहुँच गई हूँ गोल्लू देवता के दरबार में और अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही चलिए मेरे साथ। चलो हम पहुंच गए हैं गोलू देवता के मंदिर में। हमने सीढ़ियां चढ़ ली हैं, बस अब हम आपको दर्शन कराएंगे गोलू देवता के। तो आज का दिन बहुत ही खास है, आज गोलू देवता के आप लोगों को हम दर्शन करवाएंगे, तो चलिए चलते हैं। नीचे झुक जाओ, मैं पहुंच गई हूँ गोलजू महाराज के दरबार में और बहुत सुंदर यात्रा अभी तक की हमारी रही। अभी मैं आज आपको दर्शन करवाने वाली हूँ गोलू देवता के। और गोलू देवता को न्याय के देवता बोला जाता है और बोला जाता है कि भगवान शिव शंकर के अवतार हैं गोलू देवता। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर नैनीताल ज़िले के भवाली में स्थित है और बहुत सुंदर मंदिर है और पूरा घंटियों से सजा हुआ है। छोटी बड़ी सारी घंटियां आपको यहां पर मिलेंगी। लोग बहुत दूर दूर से यहां पर आते हैं और यहां पर उत्तराखंड में गोलू देवता को बहुत ही शिद्दत से यहां पर इनको पूजा जाता है, इनकी पूजा अर्चना यहां पर की जाती है और सभी लोग यहां पर भक्त आते हैं और एक कागज़ का टुकड़ा लेके आते हैं, उसमें अपनी मनोकामना लिखी रहती है सभी की और यहाँ पे वो लोग टांग के जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो बड़ी शिद्दत से यहाँ पे आके घंटियाँ चढ़ाते हैं, तो आभार व्यक्त करते हैं एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं। और छोटी बड़ी घंटियाँ सभी प्रकार की, बहुत ही पुरानी पुरानी घंटियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसीलिए इसे घंटियों वाला मंदिर भी बोला जाता है। Thank you.
यहाँ पे बहुत सारे देवताओं के मंदिर हैं, छोटे छोटे। ये देखिए, ये है हनुमान जी का मंदिर, और आगे बहुत सारी, और ये है माता रानी। सारे ही जो भी देवी देवता यहाँ पे हैं, सभी मंदिर के मैंने दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छा रहा आज का सफ़र, और गोलू देवता हमें ऐसे ही बुलाते रहें, और हम लोग आप लोगों को और भी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ के बारे में ऐसे ही बताते रहें और यहाँ के दर्शन करवाते रहें। बस मेरी यही मनोकामना है। ये है मुख्य मंदिर। आज के दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए हमारे, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और रास्ते में अभी बहुत कुछ बचता है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल मत भूलिए लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए लोग हैं हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस मंदिर के बारे में अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बताइए, और जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता है उन लोगों को भी ये जानकारी दीजिए इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जूते पहन लिए हैं, अब चल रहे हैं आगे की तरफ। और देखिए सीढ़ियां हैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो अब मैं बढ़ रही हूँ नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे दर्शन करने के लिए जब मौका मिलता है, भगवान हमें बुलाते हैं। तो आज हमारा भी कुछ ऐसा ही प्लान बना, एकदम ही बना, सडन प्लान्स ही बनते हैं हमारे, हमें कुछ ऐसे पता तो रहता नहीं है कहाँ जाना होता है क्या जाना होता है, बस भगवान ने आज सुबह सुबह हमें बुला लिया और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे नीचे जाने तक, उतनी भी नहीं है कि आप लोग एकदम थक जाएँ। तो भगवान के दरबार में पहुँच रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इतनी सीढ़ियाँ तो होनी चाहिए। ये देखिए, और सारी घंटियाँ घंटियाँ साइड में एकदम बड़ी बड़ी सी घंटियाँ लगी हैं। और यहीं पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी थी, वहाँ पे है, हाँ हेलमेट भी रखे हुए थे, हमने यहीं पे छोड़ दिए क्योंकि हमने सोचा बैग हमारे पास है, हमने सोचा हेलमेट क्या ले जाएं, वो रख दिए हैं पास में। बाइक नज़र आ रही है, अब चलते हैं आगे की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एकदम से ही प्लान बना, तो आज मेरा प्लान था कि बढ़िया से मूली के पराठे, मेथी के पराठे बनाए जाएं, तो वही मैं बना रही थी। और एकदम प्लान बना कि यहाँ जाना है, तो ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं क्योंकि मंदिर आ रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहा, अभी पूजा करनी होती है, तो यहाँ पूजा करिए अब उसके बाद करेंगे। तो फिर मैंने किया क्या कि पराठे बनाए और पैक करके ले आए, और फिर आप एक तरीके का ये बोल सकते हैं कि आज पिकनिक बोल सकते हैं हमारा, बढ़िया सा यहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे किस जगह पर रुकते हैं। और यहाँ पर तो बढ़िया, बहुत ही अच्छी धूप आई हुई है, एकदम सिक रहा है ऐसी वाली धूप है, और घर में तो एकदम कोहरा लगा हुआ है इतने दिनों से। तो दोस्तों दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हुए जैसा कि मैंने आपको बताया, और पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए हैं क्योंकि बढ़िया पराठे आज मैंने बनाने की सोची थी, वो मैं बना के लाई, खा के तो आए नहीं हम लोग, अभी पूजा कर लिए अब खाएंगे, तो अभी मैं दिखाऊंगी पराठे कैसे हो रहे हैं, मस्त एकदम। तो अच्छा है यहाँ, बढ़िया ऐसा लग रहा है कि बस यहीं बैठे रहो, घाम तापो आराम से मज़े से। तो चलिए हम खाते हैं, इसे सर्व करते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए पैकिंग मेरी कैसे पैकिंग करके लाई है, ये देखिए मेरे पराठे, पराठे ये, और सबसे स्पेशल चीज़ वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, देखिए बस गिरी ना हो नहीं गिरी, गिरने वाली है अच्छी। ये देखिए मेरा जुगाड़ कैसे करके लाई है मैं ताकि गिरे ना। ये देखिए, ये है आमले की
धनिया की और पुदीने की चटनी। इसमें मैंने वैसे सभी कुछ डाला हुआ है, प्याज टमाटर आंवला उसमें ज़्यादा डाला है, तो अभी टेस्ट करेंगे क्या। कैसे बने? बहुत ही स्वादिष्ट पराठे हैं और ये चटनी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू मेथी और बहुत सारे चीज़ के पराठे हैं, मिक्स पराठा आप बोल सकते हो। मज़ेदार, आनंद आ गया। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं बोला जाएगा तो दोबारा तो मिलेंगे नहीं पराठे, मैंने आज बना दिए दोबारा, मैं बनाने से रही। बहुत अच्छे हैं ना, ज़बरदस्त। Thank you.